ये खबर भी शिक्षा विभाग से जुड़ी है। एनसीईआरटी की किताब में विवाद के बीच बड़ा निर्णय हुआ है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं। सरकारी स्कूलों मदरसों में अंग्रेजी की पढ़ाई अब अनिवार्य होगी। हिंदी के साथ साथ पढ़नी होगी अंग्रेजी की पढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। राज्य शिक्षा केंद्र ने रोस्टर में किया है बदलाव। वार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार भी कर लिया गया निर्धारित। ऑफ ईयर एग्जाम्स में मिलेंगे 20 और फाइनल ईयर के 60 अंक होंगे। छात्रों को प्रोजेक्ट के भी 20 अंक मिलेंगे। 31 जनवरी 2025 तक जमा करना होगा प्रोजेक्ट। तो ये आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं। पहले स्कूल शिक्षा था इंदर सिंह परमार के पास, लेकिन अभी है उदय प्रताप सिंह के पास, जो उदय प्रताप राय जो स्कूल शिक्षा मंत्री है और बच्चों को भी आप देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ रंजना जोड़ रही है जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। रंजना से बात कर लेते हैं। रंजना, क्या है खबर? क्या पांचवी आठवीं भी अब एनसीईआरटी की तर्ज पर पढ़ाई जाएंगी? देखिए मनोज जी, लंबे समय से एनसीईआरटी की किताबें एमपी बोर्ड में भी लागू करने को लेकर मांग हो रही थी और अब राज्य शिक्षा केंद्र ने ये रोस्टर जारी कर दिया है जिसमें अब पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एनसीईआरटी की किताबें उस समय ये जो रोस्टर लागू किया गया है जब पर्यावरण की कक्षा को लेकर जो किताब है जिसमें एक अध्याय जुड़ा था उसको लेकर लगातार जो विवाद है वो गहरा गया है और अब ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है राज्य शिक्षा केंद्र का वो यही है कि स्टूडेंट्स के जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार होगा क्योंकि इसमें जो फाइनल परीक्षा है उसमें 60 अंक प्रोजेक्ट के भी जोड़े जाएंगे और प्रोजेक्ट में शिक्षकों और छात्रों की जो भूमिका है वो भी तय की जाएगी और इसके पीछे छात्र छात्राओं का जो शैक्षणिक स्तर है शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार को लेकर ये जो बदलाव है वो किया गया है। मनोज जी, और ये बड़ी खबर, अब दूसरी एक और खबर।